Hello friends, welcome once again at my channel. Today we are going to discuss interlaced scan and progressive scan. इसके पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि वीडियो क्या होता है. वीडियो इज नथिंग जस्ट कलेक्शन ऑफ इमेजेस. वीडियो कई इमेजेस का कलेक्शन होता है. ये इमेज वन बाय वन हमारी आंखों के सामने से इतनी कम टाइम इंटरवल में इतनी जल्दी से गुजरती है कि हमें ये इमेज न लगकर ये हमें मूविंग ऑब्जेक्ट लगता है. इससे हमें कोई भी चीज़ मोशन में दिखाई देती है. ये इमेज को फ्रेम बोलते हैं. एवरी सिंगल इमेज कॉल्ड फ्रेम. और अगर हम 25 फ्रेम पर सेकंड बोलते हैं तो इसका मतलब ये है कि एक सेकंड में 25 इमेजेस हमारे आंखों के सामने से गुजरती है. और इसी तरह अगर हम 60 fps बोलते हैं तो यानी एक सेकंड में 60 इमेजेस हमारी आंखों के सामने से गुजरती हैं. और स्कैनिंग का मतलब है कि कोई इमेज इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन पर कैसे अपीयर हो. स्कैनिंग के टू टाइप्स हैं, इंटरलेस्ड एंड प्रोग्रेसिव. कुछ रेजोल्यूशन जैसे 40i, 1080i, 1080p, 720p ये जनरली हम लोग मार्केट में सुनते हैं. 1080i मीन्स आई डिनोट्स इंटरलेस्ड, यानी 1080 वीडियो डिस्प्ले होगा यूजिंग इंटरलेस्ड स्कैनिंग के. और 1080p मीन्स पी मतलब प्रोग्रेसिव, तो 1080 वीडियो डिस्प्ले होगा यूजिंग प्रोग्रेसिव स्कैनिंग. इसी तरह 720p मतलब प्रोग्रेसिव स्कैनिंग. इस तरह हम लोग पहले ही समझ सकते हैं कि ये किस तरह की स्कैनिंग यूज करेगा. पी डिनोट्स प्रोग्रेसिव स्कैनिंग, आई डिनोट्स इंटरलेस स्कैनिंग. सीसीटीवी फील्ड में जनरली हम लोग 720p, 1080p ये वर्ड सुनते रहते हैं. तो अब ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि वो 1080p का मतलब प्रोग्रेसिव स्कैनिंग की बात कर रहा है, रेजोल्यूशन के साथ कौन सा स्कैनिंग यूज कर रहा है, तो हमें यहाँ पे डाउट नहीं होगा. इंटरलेंस स्कैनिंग में इमेज या फ्रेम दो भाग में बढ़ जाता है. एक में सारे ऑड इन्फॉर्मेशन होते हैं और दूसरे में इवन इन्फॉर्मेशन होते हैं. ऑड इन्फॉर्मेशन को फील्ड वन बोलते हैं और इवन इन्फॉर्मेशन को फील्ड टू बोलते हैं. मैं आपको एक पिक्चर में दिखा सकता हूँ स्क्रीन पे. एक इमेज है जिसमें हाउस बना हुआ है और फील्ड है. इसको जब इंटरलेंस स्कैनिंग के थ्रू प्रोसेस करेंगे तो ये देखिए, अब इसके बाद ये दो भाग में बढ़ गया है. सेम इमेज फील्ड वन और फील्ड टू में बढ़ गया. फील्ड वन में सारे ऑड इन्फॉर्मेशन है इमेज के और फील्ड टू में सारे इवन इन्फॉर्मेशन है. अब उसके बाद क्या होता है, ये ऑड और इवन कम्प्लीट होकर तब जाके एक पूरा फ्रेम बनाते हैं. इस तरह में ये कम्प्लीट इमेज दिखाई देता है. इंटरलेंस स्कैनिंग में बैंडविड्थ बहुत कम यूज होता है क्योंकि इसके एक इमेज एक फ्रेम में पिक्चर की केवल हाफ इंफॉर्मेशन ही होती है. इंटरलेस बिलोंग्स टू CRTs एंड प्रोग्रेसिव स्कैन बिलोंग्स टू नाउडेज टेलीविजन लाइक LCD, LED, प्लाज्मा TV. मोस्ट टेलीविजन्स यूज नाउडेज इंटरलेस टू प्रोग्रेसिव कन्वर्टर. इंटरलेस में मेन ड्रॉबैक ये है कि इसमें इमेजेस क्लिकर होने लगते हैं और ये मोशन जहाँ ज़्यादा हो उस तरह के एनवायरनमेंट में ये एप्रोप्रिएट इमेज नहीं देते हैं. ड्यू टू मोशन इसमें कॉम्बिंग इफेक्ट आने लगता है. मैं आपको इसको स्क्रीन पर दिखाता हूँ एक वीडियो के माध्यम से क्या होता है कॉम्बिंग इफेक्ट. यहाँ एग्जाम्पल में एक मोशन करती है गेंद का वीडियो लिया है. इसमें इमेज ऑड और इवन के फॉर्म में अलग अलग इन्फॉर्मेशन में चेंज हो जाती है. और ये जब ये दोनों आपस में जब मर्ज करती हैं तो आप देख सकते हैं कि जब मर्ज कर रही हैं तो ये ऑब्जेक्ट गेंद आगे वहाँ से जा चुका है. ये जो वाइटनिंग जो लाइनिंग आ रही है जो सुपर इम्पोज होने पर अलग अलग कटिंग आ रही है इसी को बोलते हैं कॉम्बिंग इफेक्ट. प्रोग्रेसिव स्कैन में इसके प्रत्येक फ्रेम में सारी इन्फॉर्मेशन होती है. इसमें इंटरलेंस की तरह ऑड और इवन अलग अलग लाइन इन्फॉर्मेशन नहीं होते हैं. ये अपने आप में कम्प्लीट एक इमेज होता है. यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये फ्रेम वन है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन है. इसके बाद ये फ्रेम टू है जो दूसरी इमेज है इसकी, उसमें भी सारी इन्फॉर्मेशन है. और ये देखिए फ्रेम वन और टू मैं आपको कम्बिन करके दिखा रहा हूँ. तो इसमें ऐसा कुछ फ्लिकरिंग और कॉम्बिंग जैसा इफेक्ट आने का कोई रीज़न नहीं है क्योंकि इसमें अपने इमेज में ही सारी इन्फॉर्मेशन होती है. बट इसमें प्रोग्रेसिव में एक प्रॉब्लम ये होती है कि ये बैंडविड्थ ज़्यादा यूज़ करता है. लेकिन आपके जो मोशन एनवायरनमेंट है जहाँ पे मोशन जाता है जैसे लाइक प्ले ग्राउंड, तो वहाँ पे ये इसकी इमेज प्रॉपर क्लियर आती है. वहाँ पे आपको ऐसी इमेजेस नहीं आएंगी कि वहाँ पे कुछ रुक रहा है या कुछ कॉम्बिंग इफेक्ट आ रहा है.
इसलिए मोस्टली स्पोर्ट्स चैनल प्रोग्रेसिव स्कैन पे ही वर्क करते हैं, वो 720p पे ही मोस्टली अपना ब्रॉडकास्ट भी करते हैं। 720p वीडियो क्वालिटी इज मोर बेटर देन 1080i। सो फ्रेंड्स, नाउ वी क्लोज दिस सेशन, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।